दोस्तों नमस्कार प्रणाम, कैसे? उम्मीद करता हूँ कि सब अच्छे होंगे। दोस्तों आज हम आए हुए हैं 15-20 दिनों के बाद खेतों में काम करने के लिए आए हुए हैं। बट अभी जो प्लॉट है जो दिखाई दे रही है आपको, ये प्लॉट है, ये प्लॉट सीधा खाली है, जो कि आसपास में दोनों तरफ मेरा धान रोपा। ये भी धान देखिए कैसा, कितना हरा भरा घास है, धान है। और इधर में देखिए दोस्तों, जो कि ये भी प्लॉट में भी हम लोग धान रोप रखे हैं। बगल में मुर्गी फार्म बना हुआ है, जो कि हमारे ही गांव का है बना हुआ। अब देखिए जो हम मेरे चारों तरफ मेरा ही खेत है, बट ये जो प्लॉट खाली कर रखे थे दोस्तों, ये प्लॉट में रबी फसल रोपने के लिए, जो कि बरसात तो ख़त्म हो गई दोस्तों, अब बरसात ख़त्म हो गई थी, इसमें रबी फसल रोपने के लिए पूरी तरह से तैयार कर रहे हैं इसको। देखिए इधर में जो जंगल झाड़ जो आप लोगों को दिखाई दे रही होगी, ये पूरा जंगल झाड़ बना हुआ था, इसको देखिए किस तरह से सफैया कर रहे हैं। और इसके बाद दोस्तों हम इसमें ट्रैक्टर से जो जोतने वाली खेत होती है मशीन, उससे हम अपना इसे जोत कर रही फसल के लिए पूरी तरह तैयार करेंगे। और इधर आसपास में देखिए जितने भी ये आप लोगों को देख खेत में कुछ कुछ दिखाई दे रहे हो घास जैसा, ये जो आप लोग को देख रहे हैं अभी, तो मैं घास को कबाड़ रहा हूँ। अगर नहीं कबाड़ूंगा दोस्तों, जो कि फसल जो रबी फसल होगा उसको बर्बाद कर देगा दोस्तों। इस वजह से मैं खुद 15 दिनों के बाद आया हूँ खेतों में काम करने के लिए, और इसे कबाड़ रहा हूँ दोस्तों। अब इस साइड में मेरा ही धान देखिए, इस साइड में धान रोप रखे हैं जो कि हरा भरा धान है, और ये साइड में दोनों साइड में बस बीच में मैं छोड़ दिया था रबी फसल के लिए मात्र, जो कि बरसात में तो रबी फसल होता नहीं है, इसकी बरसात में अगर रबी फसल रोपेंगे दोस्तों तो पूरा रबी फसल ही बर्बाद हो जाएगी। इस वजह से मैं रबी फसल नहीं रोपा था, बट अब बरसात तो पूरी तरह से ख़त्म हो गया है, तो अभी हम लोग इसको सर सफाई कर रहे हैं, खेतों को पूरी तरह से सर सफाई करेंगे, और सर सफाई करने के बाद इसमें रबी फसल बुनेंगे दोस्तों। अब इधर में हम रोप रहे बगीचा लगा रखे, आप जो दिखाई दीजिए इसमें जो ये सामने में दिखाई दे रही है, इसमें बगीचा के लिए तैयारी तैयार कर रहे हैं, जो कि इसमें कम से कम 50 से 60 पेड़ हम रोप रखे हैं, जैसे कि सागवान हो गया, आम का हो गया, बहुत सारे पेड़ रोप रखे हैं, बहुत सारे पेड़ इसमें रोप रखे हैं, जो कि आपको दिखाएंगे जब बड़ा बड़ा हो जाएगी दोस्तों तब दिखाएंगे, जो कि सट्टा बोलते हैं, सट्टा बाहर से 2-3 प्रकार के आम का पेड़ है, और इसमें लीची का हो गया और बेल का हो गया, मैंने कई प्रकार के पेड़ आया हुआ था सट्टा बेचने वाले, तो उससे भी सट्टा ले करके इसमें रोप रखे हैं, जो कि बगीचा लगा रहे हैं इसको में, जो प्लॉट आपको दिखा रहे हैं चारों तरफ से कांटे कटीले तार से घेर चुके हैं, क्योंकि किसी प्रकार के जानवर हमारे फसल को नुकसान ना कर पाए। और उसके बाद में आप देख सकते हैं कि चारों तरफ ये मेरे बगल में ये है पहला, और दूसरा खेत ये है, ऊपर में भी तीसरा, जो तीसरा जो खेत है मेरा, तीसरा खेत को रबी फसल के लिए हम लोग छोड़ दिए थे। अब इसमें जो कि बरसात ख़त्म होने के बाद इसमें आप रोपा जाएगा रबी फसल, कुछ भी हो, सरसों हो गया, राहड़ हो गया, जो कि दलहन बोलते हैं, तो दलहन रोपने के लिए इसमें तैयारी कर रहे हैं, जो काफ़ी ज़्यादा इसमें घास भरा हुआ था, तो देख सकते हैं कि अभी तो कबाड़ रहे हैं, इधर तो कुछ कुछ कबाड़े हैं दोस्तों, अभी इधर में पूरी प्लॉट में अभी बाकी ही है कबाड़ने के लिए, तो इसको भी जो फटाफट से हम लोग कबाड़ देते हैं, क्योंकि काफ़ी दिनों के से छूटा हुआ था, बरसात की वजह से हम छोड़ रखे थे इसमें काम करने के लिए। और जो बगीचा लगा रखे तो उसमें देखिए आप लोगों को शायद आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, एक आदमी मजदूर लगवा रखे हैं काम करने के लिए, वो अपना काम कर रहे हैं और हम अपना काम कर रहे हैं दोस्तों, क्योंकि दोस्तों बरसात के वजह से इतना घास हो गया था इस खेत में दोस्तों कि आप देख सकते हैं, ये तो जब जुताई होगी इस खेत को तब ये पूरी घास खत्म हो जाएगी, बट देखिए कितना घास हम कबाड़ करके आज फेंके हैं, देख सकते हैं। और धूप भी इतना ज़्यादा कड़ा कर रखा है कि कहना मुश्किल है, बहुत ज़्यादा कड़ा धूप कर रखा है दोस्तों, इस वजह से हम भी थोड़ा सा कम ही आ रहे हैं, शाम के शाम आते हैं और इसमें काम करते हैं दोस्तों। अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लग रहा होगा दोस्तों, तो आपको कुछ भी इसमें अच्छा लगे तो आप लोग कमेंट कीजिएगा दोस्तों कि इस पर वीडियो बनाएं। अगर ये वीडियो आप लोग को पसंद आता है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा वीडियो को दोस्तों, जो कि आज मैं अपना दिनचर्या दिखा रहा हूँ कि आज मैं क्या कर रहा हूँ दोस्तों, जो कि आप लोग को शायद हो सके आप लोग को पसंद आएगा दोस्तों, तो लाइक कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा दोस्तों। आप भाई को, अपना भाई को सपोर्ट कीजिए कि ताकि आप लोग के लिए और अच्छे अच्छे वीडियो बना करके आप लोग को दिखा सके दोस्तों, जो कि दोस्तों कुछ इस ब्लॉग के माध्यम से कुछ अपना दिनचर्या दिखा रहा हूँ, जो कि ब्लॉग बना रहा हूँ, जो कि कोई किसी चीज़ का प्रमोशन वगैरह मैं नहीं करता हूँ दोस्तों, बस जो है जो जेन्युइन होता है, जो जेन्युइन आप लोग को दिखाने की पूरी तरह से कोशिश करता हूँ कि जेन्युइन से जेन्युइन आपको लोगों को और सही चीज़ आप लोग को दिखा सकूँ, जो मैं करता हूँ डेली, ना कि कोई फेक वगैरह कि भाई कर रहा हूँ कुछ और दिखा रहा हूँ कुछ, ये सब कुछ नहीं है दोस्तों, जो भी है सामने दिखाता हूँ, साक्षात दिखाता हूँ दोस्तों, ना कि फेक वगैरह दिखाता हूँ। कई लोग तो ऐसे करते हैं ब्लॉग में
कि भाई किसी को पैसा 10 रुपया दे करके वीडियो बना लेते हैं, किसी को कुछ दे करके वीडियो बनवा बनाने के वीडियो बनाने के लिए बहुत से तरीके होते हैं दोस्तों, बट जो जेन्युइन होते हैं मैं जेन्युइन बनाता हूं, जो ओरिजिनल कंटेंट बनाता हूं दोस्तों, और जो ओरिजिनल कंटेंट होता है उसको वायरल होने में और लोगों के समझ आने में थोड़ा समय लगता है, बट कोई बात नहीं, मैं मेहनत करता रहूँगा दोस्तों। अगर आप लोग सपोर्ट करना चाहते हैं तो सपोर्ट कीजिए, आप लोग से यही रिक्वेस्ट रहेगा कि आप लोग भाई को अपने भाई को सपोर्ट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक भेजिए और शेयर कीजिए दोस्तों, कि अपना भाई को मदद मिल सके, क्योंकि दोस्तों आप लोग के लिए वीडियो बनाते बनाते बहुत टाइम हो गया दोस्तों, साल भर से मेहनत कर रहे हैं, बट आप लोग यूट्यूब कुछ रिस्पॉन्स अगर आगे फॉरवर्ड नहीं कर पा रहे हैं, वायरल नहीं हो पा रहा है, बट आप लोग अगर सहयोग करेंगे दोस्तों तो मेरा वीडियो भी वायरल होगा, आपका भाई भी आपको भाई को भी मोटिवेट मिलेगा कि आगे बहुत से अच्छे अच्छे कंटेंट मिलेगा दोस्तों। थोड़ा सा मॉडल डाउन है बट मैं पीछे हार मानने वाला में से नहीं हूँ, कि नहीं व्यू आ रहा है या नहीं सब्सक्राइबर बढ़ रहा है तो मैं यूट्यूब छोड़ दूँ, ऐसा नहीं है दोस्तों, मैं यूट्यूब पर काम करता लगातार रहूँगा, बट आप लोग को भाई का प्यार है, आप लोग भाई को प्यार दीजिए, आशीर्वाद दीजिए। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अगर मेरे वीडियो पसंद आए तो आप लोग वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।